नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। लोगों का प्यार देखकर आयरन लेडी किरण बेदी के आंसू छलके। दिल्ली में भाजपा की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी को भले ही मीडिया ने उनकी सख्त छवि के कारण आयरन लेडी, सुपर कॉप और प्रेम बेदी जैसे नाम दिए हों, लेकिन बुधवार को चुनाव जनसंपर्क अभियान में भी रो पड़े। किरण अपने निर्वाचन क्षेत्र कृष्णानगर में रोड शो कर रही थी। इस दौरान सड़कों पर उन्हें देखने सुनने और उनका समर्थन जताने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। लोग बेदी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। लोगों का यह प्यार और उत्साह देखकर किरण बेदी भावुक हो गईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए। गुमला में नक्सलियों ने फिर ढाया कहर, 7 ग्रामीणों की हत्या। झारखंड के गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में सेहल बरांग गांव में मंगलवार देर रात नक्सलियों ने 7 ग्रामीणों की हत्या कर दी। इस नक्सल प्रभावित इलाके में संचार का कोई माध्यम भी नहीं है। पुलिस ने अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा है। रांची रेंज के DIG प्रवीण कुमार ने कहा कि 7 शवों के होने की सूचना है। ये लोग किसी और जगह के बताए जाते हैं। उन्होंने कहा कि घटना के पीछे नक्सली हो सकते हैं, जमीन विवाद से भी इनकार नहीं किया जा सकता। IS आतंकवादियों ने पायलट को जिंदा जलाया। IS आतंकवादियों ने एक दिल दहला देने वाली घटनाक्रम में जॉर्डन के पायलट को जिंदा जला दिया। मंगलवार को आतंकवादी संगठन ने एक वीडियो जारी कर पायलट के मारे जाने की पुष्टि की है। इस वीडियो के मुताबिक जॉर्डन के पायलट मोएज अल कसाब शेह को पिंजरे में तेल की लाइन पर खड़ा कर दिया गया और उसमें आग लगा दी गई। कसाब शेह को 26 दिसंबर को सीरिया के नजदीक रक्का में विमान हादसे के बाद IS के लड़ाकों ने बंधक बना दिया था।